महाराष्ट्र में दाइश आईएसआईएस के मामले में एनआईए ने जो क्रैकडाउन किया था उसके बाद अब ऐसे अफराद से ये पूछताछ कर रही है जो साकिब नाचन के करीबी और मतमीद खास थे, और इसमें से जो 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है इनके तमाम मुतालकीन रिश्तेदार बहीख्वा और ऐसे अफराद जो इनकी मदद किया करते थे या इनके रबते में थे एनआईए के मुंबई दफ्तर में आज इनसे न सिर्फ ये कि बासपुर्स की गई बल्कि आपको ये भी बता दें कि दाइश में शमूलियत इख्तियार करने के लिए इराक और सीरिया जाने वाले अरीब मजीद से भी एनआईए ने आज बासपुर्स की है और उसको जो है बाज़ाब्ता तौर पर समन भी दिया गया था। ये आज जो है एनआईए ने तकरीबन 30 से 25 अफराद को तलब किया था जिसमें तमाम लोगों से बासपुर्स की गई और इनका ताल्लुक पड़घा थाना कल्याण और इतराफ़ के इलाके से बताया जाता है। बता दें आपको कि साकिब नाचन ने अस खुद आप अपने आप को जो है वो खलीफा मुकरर किया था और उसके बाद से जो है न सिर्फ ये कि वो मीटिंगें लिया करता था बल्कि दाइश के जो नज़रियात थे उसको फ़रोग दिया करता था। इसी सिलसिले में एनआईए ने जो है ये कार्रवाई की थी। बता दें आपको कि दाइश के मामले में जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया था उनके करीबी ताल्लुकात के अफराद से भी पूछताछ चल रही है, उनके बैंक अकाउंट का जायज़ा लिया जा रहा है, उनका ये फ़ोन रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। तकरीबन 38 फ़ोन जो है एनआईए ने जब्त किया है। इसके साथ जो है हमास का जो है झंडा भी बरामद किया गया था। बता दें आपको कि इससे कबल जो है 6 दिसंबर को पड़गा में एक रैली हुई थी, इसमें बेशतर अफराद जो है वो शरीक थे। उस रैली में जो है साकिब नाचन भी शरीक था और ये जो जिन लोगों से भी तफ्तीश की जा रही है वो साकिब नाचन के ताल्लुकात में थे, उनके रबते में थे, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के रबते में थे और कहीं ना कहीं कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ती है। इसलिए एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है और तफ्तीश के दायरे को वसी कर रही है। इसमें कई अफराद की जो है गिरफ्तारी भी मुतवक्का है, ऐसा भी एनआईए के ज़राए ने कहा है। एनआईए के सोर्सेस ने बताया है कि वो जो है तय तक इस मामले की तफ्तीश कर रही है क्योंकि दाइश का जो मॉड्यूल है महाराष्ट्र में जो है पैर पसार रहा था और इसको जो है तकवियत मिल रही थी। दाइश जो है ऐसे नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाता था और बुनियाद परस्त बनाकर जो है दाइश में इनकी तकरूरी की जाती थी और ये तकरूरी जो है कोई और नहीं बल्कि साकिब नाचन किया करता था और साकिब नाचन जो है ख़ुद को खलीफा बनाकर इन्हें जो है बैत करवाता था और ये बैत जो है हाथ में हाथ रख कर बैत करवाता था, कसम दिलवाता था, हल्फ बर्दारी करवाई जाती थी। तो ऐसे में जो है एनआईए इस पूरे दाइश के मॉड्यूल को तोड़ रही है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।